सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का एक कमेंट आ रहा था कि भाई जो चालान है ना प्रूफ के साथ में दिखाओ। तो आज मैं आपको जो चालान दिखाने वाला हूँ प्रूफ के साथ में, उसके बाद आप डिसाइड करके बताइएगा कि ये सही है या गलत है ना। मैं इस टॉपिक पे कुछ बोलूँगा नहीं, मैं सिर्फ जस्ट आपको दिखाऊँगा जो मेरे ऊपर चालान कटा है। ये चालान अपना खुद का दिखाना तो भाई गलत बात नहीं है ना, और इसका तो निर्णय आप लोग ही बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हो, ये सामने में रेलवे स्टेशन है, और रेलवे स्टेशन के अंदर में जो है कैब को पार्किंग अलाउड नहीं रहती है पिकअप के लिए। तो सभी कैब वाले यहीं पर रोड पर गाड़ी खड़ी करके पिकअप करते हैं। तो ये रोड जो है वन वे है, और यहाँ पर सेम जो ये आपको गाड़ी दिखाई दे रही है एक साइड में खड़ी है, ऐसे ही आपको गाड़ी मेरी भी खड़ी दिखाई देंगी फ़ोटो में। पहले आप मेरा फ़ोटो देख लीजिए जो चालान का कटा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो फ़ोटोज़ है वो ठीक इसके साइड में आपको दिखाई देंगी, ऐसे ही खड़ी है। और इधर से ये जाने के लिए पूरा रास्ता जो है क्लियर है, ठीक है, इतना सफिशिएंट रोड है। उसके बावजूद जो है उस पर लिखा है कलम कि डेंजरस व्हीकल खड़ी है, और ये सामने में वॉशरूम है। तो जस्ट मैं यहाँ पे गाड़ी खड़ी गया था और वॉशरूम जैसे ही अंदर गया था, वैसे ही मेरे ऊपर में यहाँ पे दो पुलिस वाले आते हैं और फ़ोटो निकाल के चले जाते हैं विदाउट वार्निंग, ठीक है। उन्होंने वार्निंग भी नहीं दिया, अनाउंसमेंट भी नहीं किया, गाड़ी नंबर और फ़ोटो निकाल के चले गए और जो है मेरे ऊपर चालान दिया। तो यही का फ़ोटो है सेम, ये आपको बैनर भी दिखाई देगा। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे ये गाड़ी खड़ी है, ये सामने गाड़ी खड़ी है, तो रोड कितना जाम हो रहा है ना? कोई रोड जाम नहीं हो रहा, लेकिन टारगेट पूरा करने के लिए जो है चालान किया गया। अब मुझे बताइए कि वॉशरूम अगर उधर करे बाहर करे नागपुर में तो भी चालान है, और अगर सुलभ शौचालय में जाते हैं तो भी चालान है। तो भाई अगर बाथरूम जाना है तो आदमी जाएगा कहाँ, है ना? और दूसरी बात, जब पुलिस वाले मुझसे मिले ही नहीं तो फिर उन्होंने वैलिड लाइसेंस नहीं दिखाया करके मेरे ऊपर उसका भी 200 रुपये फ़ाइन कर दिया। तो भाई ऐसा क्यों है ना, कि जब मेरे से पूछा ही नहीं, लाइसेंस तो मेरे से मांगा ही नहीं, मेरे से बात ही नहीं, तो उसका भी चालान कर दिया गया। तो ये सरासर जो है कहीं ना कहीं गलत है। तो ये जो समस्या है ना, ये सिर्फ नागपुर में क्या बोलो कि नहीं है, बल्कि ऑटो वालों के साथ भी होता है ऐसा, ऑटो वाले बोल रहे। तो क्या है सिचुएशन यहाँ पर, जैसे कि देख सकते हैं कि ऐसे गाड़ियाँ खड़ी रहती है पिकअप के लिए, है ना? हमारी एक ही समस्या है, क्या जब भी हम यहाँ से गाड़ी चलाते हैं, अरे हमारे को कहीं सवारी कोई लेके आए और सवारी लेके जाते हैं, तो इतनी धांधली है यहाँ पे, ऑटो बहुत है, ओला मैक्सी सबसे ज्यादा बढ़ा दी गई है गवर्नमेंट के हिसाब से, ऑटो वालों को हर तरफ से मरना बना दिया गया है। तीन सवारी हम बैठाते हैं तो तकलीफ होती है चार सवारी में, और चार सवारी मैक्सी की पासिंग दी गई है। तो ऐसा हमारा कहना है कि हम लोग जब भी यहाँ पे आते तो ऑटो वाले से जास्ती ही होती है कि सवारी जब छोड़ेंगे तो अब रोड पे तो छोड़ना ही पड़ेगा, और हमारी गाड़ी पिकअप लेने के लिए तो रुकना ही पड़ेगा। तो उसके लिए कैसे हमको कभी भी बिना बताए फोटो खींच के चालान उलान भेजना, ये सब समस्या है हमारे को बहुत भरपूर है। तो यहाँ पे वार्निंग तो भी देना चाहिए, है ना? अब कोई वॉशरूम भी नहीं जाएगा कि ये भी बताओ यार, जस्ट वॉशरूम गए फोटो निकाल के चले गए विदाउट वार्निंग, जबकि नागपुर में ऐसा है कि अनाउंसमेंट करना होता है गाड़ी नंबर, अगर नहीं हटाते तो फिर आप टो करके लेके जाओ गाड़ी को, या तो फिर जैमर लगा दो, ये आपके ऊपर है। लेकिन विदाउट अनाउंसमेंट डायरेक्टली फ़ोटो निकाल देना और भेज देना और मिले ही नहीं और चालान कर देना, है ना, वो भी बहुत अलग बात है यार। इसके अगेंस्ट में आप बताइए कि क्या निर्णय है आपका, वो आप खुद ही बताइए कि ये चालान सही है या गलत है। मैंने आपको दिखा दिया गाइस, कमेंट हमें ज़रूर करें।